अब बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेलर फॉर्म चैनल। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से फ्यू मिनट्स लेट हो गया था, और आज के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनके शुरू करते हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए है कि जो सोशल स्टडीज पेपर सेकंड है उसकी क्लास रेगुलर होती है, मंडे टू सैटरडे 9 बजे होती है। तो शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट से क्वेश्चंस। तो दिसंबर में सीटेट का एग्जाम्स होना है, तो इसलिए जो है आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करिए आंसर देने की साथ के साथ। और लंदन में मदनलाल ढींगरा द्वारा मारे गए कर्जन वायली थे, तो आपको बताना है जब लंदन में मदनलाल ढींगरा भारती ने जब कर्जन वायली को मारा था, तो वो भारत के क्या थे? ऑप्शन ए भारत के राजस्व सचिव थे, ऑप्शन बी भारतीय राजस्व सचिव के सलाहकार थे, ऑप्शन सी कानून सदस्य थे, या डी बंगाल के राज्यपाल थे। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कर्जन वायली उस समय 1905 में जब इनकी हत्या की जाती है, तो उस समय ये भारत में क्या था इनका पद कर्जन वायली का। तो आपको जो है चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स इनका इसका आंसर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी है, वो भारत के राजस्व के सलाहकार थे। इंग्लिश में भी है सेम जो क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ये भारत के राजस्व के सलाहकार थे। तो सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश और इंग्लिश में स्टूडेंट्स, तो कर्जन वैली हु वाज मर्डर्ड बाय मदनलाल ढींगरा इन लंदन वास। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मदनलाल ढींगरा वाला।
इससे क्वेश्चंस दो चार पूछ लिए जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इससे बनते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए जा रहे हैं आपके लिए। यस, गुड मॉर्निंग पिंकी यादव। तो जो फैक्ट्स हैं थोड़ा ताकि आपको याद रहे एग्जाम्स में ही क्वेश्चंस, तो यहाँ पर हम आपको जो है फैक्ट्स बता देते हैं। मदन लाल ढींगरा जो है पंजाब के रहने वाले थे, और जो इंडियन होम रूल सोसाइटी, द अभियान भारत सोसाइटी और लंदन में इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे। तो ये तीन सोसाइटी से जुड़े हुए थे, इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये ना याद रखना, इंडियन होम रूल सोसाइटी, द अभियान भारत सोसाइटी और लंदन में इंडियन हाउस से ये जुड़े हुए थे। और 1 जुलाई 1909 को उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों को बदला लेने के लिए लंदन में जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बैठक में भारत के राज्य सचिव के सलाहकार थे कर्जन वायली और कोवास लोल काका की गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी थी। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की जब बैठक चल रही थी तब यहाँ इन्होंने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। तो ये मदनलाल ढींगरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो ये फैक्ट्स आपको मदद करेंगे जानने में। तो सेम कंटेंट इन इंग्लिश, हमारे कंटेंट दोनों में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो मदनलाल ढींगरा वाज अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी फ्रॉम पंजाब। तो मदनलाल वाज फ्रॉम पंजाब एंड ही वाज एसोसिएटेड विद द इंडियन होम रूल सोसाइटी, द अभियान भारत सोसाइटी एंड द इंडियन हाउस इन लंदन, एंड ही शोड दैट कर्जन वायली एंड ही वॉज एन एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एट द मीटिंग ऑफ द इंडिया नेशनल एसोसिएशन इन लंदन टू अवेंज द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बिजोलिया आंदोलन डैस कहाँ पर हुआ था। जो बिजोलिया आंदोलन था ये किसान आंदोलन था, तो ये कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो बिजोलिया आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, बी असम, सी ओडिशा, डी राजस्थान। सेम क्वेश्चंस इन इंग्लिश। तो बिजोलिया मूवमेंट इज रिलेटेड टू द रिलेटेड टू द एग्रेरियन स्ट्रगल इन द करंट स्टेट ऑफ डैश। तो ये हुआ था राजस्थान में, बिजोलिया आंदोलन हुआ था, एक किसान आंदोलन था। इसमें किसानों पर 86 प्रकार के अलग अलग कर लगाए गए थे, उनके खिलाफ थे, और इससे जो सदस्य जुड़े हुए थे वो विजय पथिक, मणिकलाल, ये सब इसके नेता थे, और सीताराम दास ने इसको शुरू किया था, इस आंदोलन को राजस्थान में। किसानों से कर ज्यादा लिए जाते थे इसलिए ये आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जी, अब आगे बताना है कि किसने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर के सिद्धांत का प्रचार किया था। एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का, तो ये सिद्धांत किसने दिया था? ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन बी विवेकानंद ने, सी श्री नारायण गुरु ने, डी डॉक्टर अंबेडकर ने। तो आप आंसर लिखिए अगर आपको इसका आंसर आता है तो। आंसर लिखिए स्टूडेंट्स, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी श्री नारायण गुरु। सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश, हु अमंग द फॉलोइंग प्रीच्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड।
तो इसका जो राइट आंसर है वो श्री नारायण गुरु ने कहा था कि मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक भगवान होना चाहिए। और इसका जो उल्टा सिद्धांत है इसी के शिष्य ने दिया था, नो रिलीजन नो कास्ट एंड नो गॉड फॉर मैनकाइंड, यानी मानव जाति के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई भगवान नहीं, ये कहा था। इन्हीं के शिष्य थे, उन्होंने ये कहा था। तो उनके जो एक नास्तिक शिष्य थे उन्होंने ये भी याद रखना, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। यस पिंकी, तो ये ध्यान देने योग्य की बात है कि उनके एक नास्तिक जो शिष्य था, नास्तिक जिसको भगवान में विश्वास नहीं हो, वो कहते हैं सैदारन अयप्पन, सैदारन अयप्पन ने कहा था कि मानव जाति के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं है। आगे आपको क्लाइव का दोहरा प्रशासन पढ़ा होगा। दोहरा प्रशासन था कि जो राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार वो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा, और जो प्रशासन की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना प्रांत के अंदर, ये जिम्मेवारी नवाब के पास थी। तो दोहरा प्रशासन इसी को कहा गया था, क्लाइव ने इसकी शुरुआत की थी। और दोहरे प्रशासन का जो अंत है वो वॉरेन हास्टिंग्स ने 1772 में किया था। तो इसमें इससे क्या होता था, इसमें ऑप्शन ए है कि अंग्रेज और नवाब के बीच तत्काल संघर्ष को जन्म दिया, तो आपको बताना है इसमें क्या आएगा इसका ऑप्शंस, किससे क्या हुआ, एंग्लो मराठा संघर्ष का नेतृत्व हुआ इससे, या सत्ता को जिम्मेदारी से अलग किया गया। तो आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है कि क्लाइव ने जब बंगाल में दोहरा शासन की शुरुआत करते हैं, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की शुरुआत करते हैं, तो उससे क्या हुआ था, अंग्रेज और नवाब के बीच तत्काल मतलब इमीडिएट स्ट्रगल शुरू हो गया था, मराठा संघर्ष शुरू हुआ था, या सत्ता को जिम्मेदारी से अलग किया गया था, क्या हुआ था यहाँ पर, वो आपको बताना है। तो आप इसका जो है You can write the answer in the chat box if you know the answer. If you don't know the answer, I will tell you the answer. The option C is the right answer. और केवल थर्ड आएगा इसमें, सत्ता को जिम्मेदारी से अलग कर दिया गया था। तो क्लाइव ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन, सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश, तो यहाँ पे था Clive separated power from responsibility. तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी थी, नवाब के ऊपर, कि नवाब ही प्रांत के अंदर जो है अपना प्रशासन को संभालने का, कानून व्यवस्था शांति बनाए रखने की जिम्मेवारी रहेगी नवाब की, और भू राजस्व इकट्ठा, टैक्स कलेक्ट करने का जो काम होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो इसको दोहरा प्रशासन कहते हैं। इसमें जो है जो दीवानी अधिकार थे वो तो क्लाइव के, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, जो फौजदारी अधिकार थे वो प्रांत के नवाब के पास थे, कर इकट्ठा करने का अधिकार क्लाइव के पास था, लेकिन प्रशासन को संभालना, प्रांत में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और आम जनता की समस्याओं का समाधान निकालना, ये नवाब को ये जिम्मेवारी दी गई थी। तो इसे ही जो क्लाइव का ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं। और इसकी समाप्ति जो है वॉरेन हास्टिंग्स 1772 में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबा राम सिंह का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, यू नो द आंसर राइट इन द चैट बॉक्स, इफ यू नो द आंसर then write in the chat box. तो जो बाबा राम सिंह का नाम है वो, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुकी आंदोलन से बाबा राम सिंह का संबंध है। द नेम ऑफ बाबा राम सिंह इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुकी मूवमेंट is associated with Baba Ram Singh.
बाबा राम सिंह इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ कूपा मूवमेंट। इट वॉज ए रिलीजन रिलीजियो पोलिटिकल मूवमेंट इन पंजाब। तो इट वॉज स्टार्टेड इन पंजाब इन द ईयर 1872। द ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव 65 कूकास बाय कैनन्स एंड डिपोर्टेड राम सिंह टू रंगून। तो बाबा राम सिंह को कूका आंदोलन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कूका आंदोलन की शुरुआत कब हुई, किसने की और कहां पर की गई, ये इसके महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पर जो बाबा राम सिंह को कूका आंदोलन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और ये पंजाब में धार्मिक राजनीतिक आंदोलन, यानी यह धर्म और राजनीतिक दोनों से जुड़ा हुआ आंदोलन था। और 1872 में जो है अंग्रेजों ने 65 कूका को तोपों से मार डाला था और राम सिंह को रंगून भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडारी युद्ध को किस युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। पिंडारी युद्ध है जो कि 1817 से लेकर 1818 तक चला था, को क्या कहा जाता है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, पहला एंग्लो मराठा युद्ध, दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध, चौथा पहला कर्नाटक युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध इसको कहा जाता है। सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश, द पिंडारी वार दैट वॉज हैपेंड इन द ईयर 1817 टू 1818 is also known as, option third is right, the third Anglo-Maratha war is also known as Pindari war. तो जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है ये नवंबर 1817 और फरवरी 1818 के बीच लड़ा गया था। ये भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। 1 जून 1817 को पूना की संधि हुई थी। सिंधिया और होलकर का संबंध पिंडारी समुद्री लुटेरों से था। तीसरा आंग्ला मराठा युद्ध को पिंडारी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। The third Anglo-Maratha war fought between November 1817 and February 1818. It was the decisive battle between the British East India Company and the Maratha Empire in India. The Treaty of Pune was signed on 1st June 1817. Scindia and Holkar had a connection with the Pindari. The third Anglo-Maratha war was also known as नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो बहुत आसान आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। तो खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था, ये बताना है। दूसरा, वल्लभ भाई पटेल देश को खेड़ा सत्याग्रह की देन थे। तीसरा है, सरकार ने उन सभी किसानों से राशन वसूल के गुप्त निर्देश दिए जो वे भुगतान करने में सक्षम हो या नहीं। तो कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो ठीक है, बाकी थर्ड गलत है। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स है, तो इसमें पहले तो ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह जी पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। ये वल्लभ भाई पटेल जो खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से मिले थे, ये भी ठीक है। तीसरा ये था, तो यहाँ पर सरकार ने जो आदेश दिया था खेड़ा सत्याग्रह के दौरान कि जो किसान कर दे सकते हैं, देने में सक्षम है, उन्हीं को कर देना था। यहाँ पर ये सरकार ने घोषणा की थी, तो यहाँ पे जो
गुप्त निर्देशों में भुगतान कर सक्षम हो या नहीं, तो ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी के दो फर्स्ट सही है बिल्कुल। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है गलत है, बाकी के टू ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, खेड़ा सत्याग्रह वाज गांधी फर्स्ट रियल पीजेंट सत्याग्रह, सेकेंड वल्लभ भाई पटेल वाज द गिफ्ट ऑफ द खेड़ा सत्याग्रह टू द कंट्री, थर्ड ऑप्शन द गवर्नमेंट इशूड सीक्रेट instructions of recovering the revenue from the all the peasants whether they are able to pay or not. तो उन्हें statement first and तो इसका जो right answer है option B है, केवल दो statements correct है, first और second, ये था ये गलत है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी दे सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, किसने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना, ए राजा राम रॉय, तुकाराम, सी महात्मा ज्योतिबा फुले, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। अब आगे है सत्यशोधक समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप इसको नोट कर लेना स्टूडेंट्स। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने की थी। ये समाज सुधार समाज था, यह मुख्य रूप से वंचित समूह महिला शूद्र दलितों को सशक्त बनाने पर केंद्रित था। सावित्री बाई जो ज्योतिबा राव की पत्नी थी, संगठन के महिला वर्ग की अध्यक्ष थी। तो इनका काम वंचित समूह महिलाओं को सशक्त बनाना था। अगला क्वेश्चन जो अभी न्यूज में काफी चर्चा में रहा है, ये समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड का आपको सुना होगा, काफी अभी रिसेंट में काफी चर्चा में रहा है। तो जो नेशनल हेराल्ड है उसको आपके बताना है। किसने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी, बाल गंगाधर तिलक, गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो इसकी स्थापना जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो सी इसका राइट ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। तो नेशनल हेराल्ड एक भारतीय समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 9 सितंबर 1938 को हुई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो नेशनल हेराल्ड काफी चर्चा में रहा है अभी रिसेंट टाइम में, न्यूज में आपको पता ही होगा किस लिए चर्चा में रहा है। तो इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1938 में और इसका इस्तेमाल जो है जो क्रांतिकारी युवा थे उनको एकजुट करने के लिए की थी ताकि भारत को आजादी दिला सके। बंगाल में पीपली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बंगाल में जो पीपली एक जगह है वो पहली डच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, पहली डच फैक्ट्री थी बंगाल में पीपली। तो डचों ने जो है क्या किया था, 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था और 1630 में उन्होंने बंगाल में पीपली में एक कारखाना स्थापित किया। वे बंगाल से रेशम और कपड़ा लाते थे। तो ये यहाँ पर इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं डच व्यापारी कंपनी के बारे में। तो डचों ने 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना स्थापित किया, 1630 में बंगाल में इन्होंने पीपली में कारखाना स्थापित किया था। विश्व एक लड़ाई है, किस पर एक जीवनी है ये, नहीं विश्वास
विश्वास एक जो विश्वास होता है एक लड़ाई है। ये निम्नलिखित में से किसने किस पर यह एक जीवनी लिखी गई है? तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के ऊपर एक जो है इस पर जीवनी लिखी गई है, विश्वास एक लड़ाई है। अब्दुल खान गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम एकता के समर्थन थे और इन्होंने जो है पश्चिम भारत में इनका जन्म हुआ था और ये भारत पाकिस्तान पाकिस्तान और भारत दो देशों का निर्माण नहीं चाहते थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना चाहते थे, इसलिए इसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो ये है अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। गांधी की तरह ही इनको जो है जाना जाता था। उनकी जीवनी रचना अब्दुल गफ्फार खान, आस्था या विश्वास एक लड़ाई है, इसको लिखा था डिजी तेंदुलकर द्वारा लिखी गई थी और 1967 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था कि आस्था भी एक लड़ाई है, कि किस तरह से कुछ लोग हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, कुछ दूसरे धर्म में विश्वास करते हैं, किस प्रकार ये एक लड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था? ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया था किस एक्ट के द्वारा? तो आपको बताना है उसका आंसर। तो 1813 का चार्टर अधिनियम था। इसका भी है 1813 का चार्टर अधिनियम। तो 1813 का चार्टर अधिनियम में पहली बार जो है भारतीयों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया था और भारतीयों को शिक्षित करने के लिए जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का आदेश भी जो है 1813 के चार्टर अधिनियम में दिया गया था। और यहाँ पर जो ईसाई मिशनरी थी उनको भी भारत में आकर जो है ईसाई धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया गया था। ये सारे जो आदेश जारी किए गए थे ये 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा ऐसा किया गया। यस पिंकी, आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं, आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। पिंकी यादव, आप रेगुलर रहिए, आपकी अच्छे से तैयारी होगी। तो किस अधिनियम ने पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इनको आपको जो है सही कालक्रम में लगवाना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी। पहला गोलमेज सम्मेलन, पाकिस्तान की घोषणा, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। तो ये आपको बताना है कि कौन सा सही है।
लेकिन की डेट याद रखना, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो हुआ था पहले नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन सबसे पहले आएगा 1930 में हुआ था, फिर गांधी और इरविन समझौता पैक्ट मतलब समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, और पूना समझौता जो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, दलितों को भी जो है सीट बढ़ा दी गई थी, और पाकिस्तान की जो घोषणा है वो 24 मार्च 1940 को लाहौर में आयोजित अधिवेशन में की गई थी। तो इस तरीके से सबसे पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर पाकिस्तान, फिर पूना समझौते के बाद पाकिस्तान की घोषणा की जाती है। तो इन सभी के जो टाइम है वो आप नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है, एक अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स स्टूडेंट्स आप याद रख लेना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना समझौता अंबेडकर गांधी के बीच हुआ था 24 सितंबर 1932, पाकिस्तान घोषणा 24 मार्च 1940 को लाहौर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज के सिद्धांत में से कौन सा सही है, बताना है कि वेद ही सत्य का एकमात्र स्रोत है और इसका जो है अतन नितांत आवश्यक है, और दो है मूर्ति पूजा का विरोध किया, कुछ परिस्थितियों में विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्थन दिया, भगवान आर और धार्मिक तीर्थों के पुनर्जन्म सिद्धांत का जो है विरोध किया। तो इसका जो है सभी ऑप्शंस ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो जो आर्य समाज के क्या सिद्धांत थे ये पूछा जाता है एग्जाम से, बहुत बार आर्य समाज के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। 1, 2, 3, 4 इसका जो राइट आंसर है, तो ये आर्य समाज के हम सिद्धांत देखेंगे। 1, 2, 3, 4 यस पिंकी यादव, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर है। तो ये आर्यों के सिद्धांत थे जिनमें से क्वेश्चन आ जाए, आर्य समाज को समझने के लिए आप इन सिद्धांतों को समझेंगे तो आपको आर्य समाज के बारे में पता चलेगा कि आर्य समाज क्या था, क्यों इसकी स्थापना जो है 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद ने की थी। तो उन्होंने वेद ही सत्ता का एकमात्र स्रोत है इसलिए वेदों का अध्ययन उन्होंने जरूरी कहा था, सत्य की ओर लौटो यानी वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटने का नारा है जो वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। फिर उन्होंने वेदों के मंत्रों का पाठ यज्ञों का प्रदर्शन इसमें विश्वास था, मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है याद रखना, उन्होंने कभी भी जो है जो ये तीर्थकर है या जो भी अवतार है भगवान की उनकी मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कर्म के सिद्धांत में आस्था और आत्मा के जो है स्थानांतरण गमन में विश्वास था, यानी कर्म जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसे उसे फल मिलते उसमें उनकी आस्था थी, और पुनर्जन्म होता है इसमें आस्था थी, और एक ईश्वर के सिद्धांत में विश्वास जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, तो उनका एक ईश्वर के सिद्धांत में विश्वास था जिसका कोई भौतिक अस्तित्व, जैसे हम मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं उनमें उनका विश्वास नहीं था, उनका मानना था कि ईश्वर एक है। भगवानों के और धार्मिक ग्रंथों के पुनर्जन्म सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया,
भगवान के पुनर्जन्म का जो सिद्धांत होता है उसका ये विरोध करते हैं। तो भगवान और धार्मिक तीर्थों के पुनर्जन्म का ही विरोध करते हैं। बाल विवाह बहु विवाह का इन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह यानी एक से ज्यादा शादा कर एक से ज्यादा विवाह करने पर इनका विरोध किया। इसलिए शिक्षा पर जोर दिया। कुछ परिस्थितियों में विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्थन भी किया कि कुछ विधवा पुनर्विवाह मतलब जो विधवा है उनका दोबारा विवाह किया जा सकता है अगर उनको पुत्र नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए इन्होंने जो नियोग प्रथा थी कि कोई विधवा है जिसको पुत्र नहीं है तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरी शादी कर सकती है। तो इन्हीं कुछ परिस्थितियों में विधवाओं को पुनर्विवाह करने का समर्थन किया। हिंदी और संस्कृत भाषा का के प्रचार पर जोर दिया। तो ये था आर्य समाज जो है वेदों की सत्य पर जोर देता है, वेदों की ओर लौटो ये नारा देता है। उनका पूरा विश्वास था, जो आर्य समाज था उनका वेदों पर पूरा विश्वास था। वेदों में जैसा लिखा गया है नियम उनके पालन पर उन्होंने जोर दिया है। तो ये सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, इनको आप नोट कर लेना। और ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इन्हीं में से जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। तो आर्य समाज ऐसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं। तो किस विजयनगर शासक ने गजबंधकार की उपाधि धारण की थी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि किस विजयनगर शासक ने जो है गजबंधकार की उपाधि धारण की थी। तो देवराज द्वितीय ने उपाधि धारण की थी, इसके बारे में पूछा जाता। तो अब्दुल रज्जाक इनके काल में भारत से इनके काल में आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देवराज द्वितीय से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं। ये संगम वंश के महान शासक थे विजयनगर के। देवराज द्वितीय जो है संगम वंश के थे। देवराज द्वितीय का ने ही जो है जो टाइटल धारण किया था गजबंधकार था, जिसका अर्थ होता हाथियों का शिकार करने वाला। और जो हाथियों की तरह मजबूत था तो देवराज द्वितीय ने ही गजबंधकार की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा टेंशन मत लीजिए पिंकी यादव, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। मेरी हिस्ट्री का मैंने पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करवाया है, मेरी क्लासेस को देखिए, आपको टेंशन नहीं रहेगी। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। आप 9th और 10th के एनसीईआरटी के फैक्ट्स को पढ़िए अच्छे से। मैंने वैसे एनसीईआरटी बेस्ड ही करवाया है तो सीटेट आसानी से हो जाता है। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, इकोनॉमिक्स ये जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। 6th to 10th आप पढ़ लीजिए एनसीईआरटी की जो है बुक्स, नहीं तो मेरी प्रीवियस क्लासेस को देखिए, मैंने अच्छे से कवर करवाया है सिलेबस। और अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा बेटा, अभी एक महीना है, एक महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक महीना काफ़ी होता है अगर आप इसमें जो है 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जितने भी आपको समय मिलता है, अगर अभी रेगुलर नहीं हर दिन पढ़ना पड़ेगा आपको, गैप लेंगे तो उससे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप डेली पढ़ाई करेंगे तो उससे आपका एग्जाम्स हो जाएगा।
तो निम्नलिखित संगठनों के साथ उनके संस्थानों पर बातचीत कीजिए। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, विद्या मैडम, भारतीय राष्ट्रीय संघ एवं नेशनल इंडियन एसोसिएशन। तो इस तरीके से जो ये संगठन है और उनके संस्थापक पर विचार करना है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम ने की थी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, जो याद रखना। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1839 में इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय के मित्र थे विलियम एडम ने की थी। और ये भी बिल्कुल ठीक है, 1885 में एओ ह्यूम, जिसका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी और वायसराय की स्वीकृति प्राप्त की थी। इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहले जो है इंडियन नेशनल यूनियन का नाम दिया गया था, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह यूनियन कहा गया था। और इसका बाद में कांग्रेस शब्द जो यूनियन को टाकर कांग्रेस पर जो जोड़ा था वो दादा भाई नौरोजी जी के कहने पर जोड़ा था। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1870 में मेरी कारपेंटर ने केशव चंद्र की सहायता से की थी। तो ये भी सभी फैक्ट्स इम्पोर्टेंट है कि नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1870 में मेरी कारपेंटर ने ब्रिस्टल में केशव चंद्र सेन के साथ की थी। तो ये सभी इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं और उनके संस्थापक हैं। बुक्स नहीं है तो कोई नहीं, पिंके आप जो है मेरी प्रीवियस क्लासेस को जाके देखिए प्लेलिस्ट में, तो उससे आपको जो है एग्जाम्स क्लियर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। हमारी 73 क्लासेस हो चुकी हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके एसएसटी की जितनी भी क्लासेस आप सभी को देखिए। तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस को भी देख लीजिए, उससे भी आपको जो है पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको उनका आंसर देना है। पिंकी आप अच्छे स्टूडेंट हैं, रेगुलर रहते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये जो है याद कर लेना है फैक्ट्स ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में। तो ये कुछ फैक्ट्स है आपको बताना है कि ये किसने किया था इन सब की शुरुआत। तो अंग्रेजी भाषा के जो साप्ताहिक समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल की उन्होंने शुरुआत की थी। तो ये साप्ताहिक पत्र था, सप्ताह में एक बार आने वाला बॉम्बे क्रॉनिकल की शुरुआत, जो कि अंग्रेजी में आता था और उन्हें बॉम्बे के शेर के रूप में जाना जाता था। और 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। और इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। तो 1890 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष रहे थे। तो इसका आंसर आपको बताना है कौन थे जिन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र की शुरुआत की और जिन्हें बॉम्बे के शेर कहा जाता है और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1890 में की, वो कौन थे उसका आपको नाम बताना। ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी, बी सरफरोश शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपको इसका सही जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर है सर फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिरोज शाह मेहता ये के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिरोज शाह मेहता के बारे में याद रखना, इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना की थी समाचार पत्र की। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताना है। तो इसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में लॉन्च किया गया था। महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू करने के लिए बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय तिरंगा फहराया था। कौन सा सही है वो बताना है, जो कि मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया, हिंदू महासभा ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो आपको बताना है
कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किस किस पार्टी ने किया था, किसने नहीं किया था, और आंदोलन शुरू करने के बम्बई के ग्वालियर टैंक में किसने भारतीय तिरंगा फहराया था, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी ने तो नहीं फहराया था, तो इसका जो आंसर है वो देख लीजिए। तो पहला कथन सिर्फ ठीक है, बाकी के सही नहीं है। तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था बम्बई अधिवेशन में, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। दूसरा, क्योंकि अरुणा आसफ अली जो थी उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक जगह थी ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय तिरंगा फहराया था। तो जब महात्मा गांधी जेल में चले जाते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो संभालती है वो अरुणा आसफ अली संभालती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तीसरा कथन क्यों गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस तथ्य के आधार पर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया कि यदि ब्रिटिश अपने वर्तमान में भारत छोड़ देते हैं तो अल्पसंख्यक मुसलमानों को जो है हिंदुओं द्वारा प्रताड़ित किया जा सकता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तथ्य, हिंदू महासभा के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। तो देखिए एग्जाम्स में कई तरीके से इस पर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो वो फैक्ट्स बता देती हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन पर जो क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में की थी, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दूसरा पूछा जाता है कि जब गांधी जी जेल में थे तो भारत छोड़ो आंदोलन को किसने संभाला था, तो अरुणा आसफ अली ने संभाला था और उन्होंने तिरंगा का फहराया था, ये पूछा जाता है। तीसरा कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और जो RRS है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, तो गांधी की भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध इन सभी पार्टीज ने किया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पिंकी नहीं सभी के पोर्शन समान रहता, पॉलिटी सिविक्स जो नागरिक शास्त्र है उससे भी क्वेश्चंस आएंगे, हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आएंगे, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आएंगे, और इन जो है इनके जो क्वेश्चंस है वो बराबर ही रहेगी इनकी संख्या। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पॉलिटी से ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, आप इनको नोट कर लेना अपना, और नोट्स के लिए आप जो है दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको नोट्स चाहिए SST के। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं के साथ। अभी स्टूडेंट्स कोई भी क्लास मेरी मिस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो एग्जाम्स में आएंगे, तो मेरी कोई भी क्लास आप मिस मत कीजिए। पहले आप कर चुके हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरी जो है कोई भी क्लास आप मिस मत कीजिए, रेगुलर हो जाइए, क्योंकि आप रेगुलर रहेंगे तभी आपका एग्जाम्स हो पाएगा। लास्ट टाइम पर ही अभी हम आपको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं डेली उन्हीं की, किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स बाय, तो कल मिलते हैं 9